हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, और टॉपिक है डीबी के कनेक्शन करना सीखें। डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, मेरे पास ये डीबी है। आज हम इसके प्रॉपर कनेक्शन के बारे में जानेंगे, भाई डीबी में डीबी से हम अलग अलग सप्लाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरी TPN, TPN यानी कि थ्री पोल न्यूट्रल, और यहाँ पर RYB और न्यूट्रल, तीन फेस और एक न्यूट्रल आया हुआ है। और ये है हमारी इनपुट सप्लाई, और ये है हमारी आउटपुट सप्लाई RYB और न्यूट्रल। और यहाँ से हमने ये जो सामने आप लाइव देख रहे हैं, ये एक न्यूट्रल कनेक्टर है, और न्यूट्रल को उठाकर यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ पर एक दो तीन तीनों ही फेसों के लिए अलग अलग जो लोड दिया है। तो न्यूट्रल से उठाकर हमने एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर इस RCCB को दे दिया है, और एक न्यूट्रल पॉइंट हमने इस RCCB को दिया है, और एक न्यूट्रल पॉइंट हमने इस RCCB को दिया है। और ठीक उसी प्रकार एक R फेस हमने ऊपर वाली RCCB को दिया है, और Y फेस को हमने यहाँ से उठाया है और बीच वाले सर्किट पे दिया है, और B फेस को हमने यहाँ से उठाया है और नीचे वाले इस सर्किट पे दिया है। तो दोस्तों, हमने ये जो हमारे RYB तीनों फेस हैं, इनको अलग अलग लोड दिया है, और ये जो हमारी RCCB है, इस RCCB से ये हमारे R फेस का आउटपुट लोड है, और ये हमारा न्यूट्रल निकला है RCCB से, और इस न्यूट्रल को हमने यहाँ न्यूट्रल कनेक्टर पे कनेक्ट कर दिया है, और इससे हमने बहुत सारे न्यूट्रल उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमने ये जो वाई फेस है, वाई फेस का जो सर्किट है, इससे भी हमने ये एक हमारा न्यूट्रल निकला है, और इसको न्यूट्रल कनेक्टर पे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से आउटपुट के लिए बहुत सारे न्यूट्रल दिए हुए हैं। और ठीक हमने उसी प्रकार ये R फेस से एक हमारा न्यूट्रल निकला है आउटपुट में, और ये R फेस से भी हमने न्यूट्रल कनेक्टर पर कनेक्ट कर दिया है, और बहुत सारे आउटपुट में न्यूट्रल गए हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारी RCCB है, ये डबल पोल की है, यानी कि इसमें हमने एक फेस दिया है और एक न्यूट्रल दिया है, और ये हमारी मेन RCCB है, और उसके बाद ये हमारी जो छोटी छोटी लग रही हैं, ये हैं हमारी MCB। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की हमारी जो वायर दिखाई दे रही हैं, ये हैं हमारे अर्थिंग वायर। क्योंकि दोस्तों, हर इक्विपमेंट को अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है, और ये जो हमारी डीबी है, इस डीबी के लिए हमने अर्थिंग लाई हुई है, और ये इस तरह से डीबी के लिए अर्थिंग दी है, ग्रीन कलर का जो वायर है, और सभी इक्विपमेंटों के लिए भी अर्थिंग दी है। तो दोस्तों, वीडियो देखकर आप भी आसानी से डीबी की कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने ये फोर पोल की TPN लगाई है, इसमें इनपुट में तीन फेस
फेस दिए हैं, एक न्यूट्रल दिया, आउटपुट में इसने तीन फेस और न्यूट्रल निकाला है, और इन सभी फेसों से अलग अलग हमने जो लोड दिया है एक एक आरसीसीबी मेन दे दी है, और आउटपुट के लिए हमने सिंगल सिंगल एमसीबी दी हैं ताकि कभी किसी इक्विपमेंट में दिक्कत हो तो हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाए और आरसीसीबी ट्रिप कर जाए। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो देखकर आप भी आसानी से डीवी के कनेक्शन कर सकते हैं, और दोस्तों वीडियो में लाइव देख सकते हैं ये कितने स्मार्ट तरीके से जो डीवी के अंदर ड्रेसिंग की गई है, प्रॉपर तरीके से वायरों को जो ड्रेसिंग किया गया है, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वर्क यही होता है। हम आसानी से हमें कभी डीवी में काम करना हो तो एक एक वायर हमें सही से जो दिखाई देगा और कोई भी फॉल्ट होगा तो हम आसानी से ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्केल के साथ में। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद जय भारत।